गुरदासपुर दे तीने कीता कमाल, यूपीएससी च हासिल कीता 97वां रैंक, मां बाप ते रिश्तेदारां लई आखी वड्डी गल। गुरदासपुर दे पिंड नानोवाल खुर्द दी हरप्रीत कौर दे वलों अपने परिवार दा अते पिंड दा मान वधाया गया है। जानकारी मिली है कि उसने यूपीएससी दी परीक्षा दे विच 97वां रैंक हासिल कीता, जिसकी खबर मिलने तो बाद परिवारक मैंबर अते रिश्तेदारां दे विच खुशी दा माहौल वेखण नूं मिलिया अते शुभकामनावां देण वालियां दा तां घर विच जमावड़ा लग्या होया है। आओ जानदे हां हरप्रीत कौर दे कोलों उसदा इस प्राप्ति तो बाद की कहना है। मैं इस पर यूपीएससी विच थर्ड अटैम्प्ट दित्ता सी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम विच मेरा 97th रैंक आया है इस वारी, ते मैं इस उपलब्धि ते बहुत खुश हाँ। ते मैं इहदा सिरा अपने माँ प्यो, अपने चाचा चाची जी, अपने दादा दादी अते अपने पूरे परिवार दे सिर ते बनदी हाँ। प्लस इहदे विच मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने भी इस विच बहुत हेल्प कीती है मेरी। एमएससी करन तो बाद मैं टेक्निकल असिस्टेंट दे तौर ते काम कर रही हाँ पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन विच। ये रिजल्ट मेरा अज सवेरे, मैं 11:30 बजे ही मैनू फाइल दिखी है। मैं फैमिली दे नाल ही बैठी सीगी ते मेरे एक दोस्त का फोन आया, पहला तो मैं कट दिता कि उंजी फोन कर रहा होना, बट बाद में 5 मिनट बाद मैं ख्याल आया कि रिजल्ट नहीं आ गया। फिर मैं चेक की जो PDF तो वो नाम से मेरा। हरप्रीत कौर के पिता भी फौज के सूबेदार मेजर के रैंक से रह चुके हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी की इस प्राप्ति को लैके की कहना है, ये भी सुनो। मैं बहुत खुश हाँ कि मेरी लड़की मिस हरप्रीत कौर ने UPSC इंडियन फोरस सर्विस का एग्जाम पास करके इस इलाके का, इस पिंड का मान ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ IAS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਇਹੋ ਲੜਕੀ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਾੜੀ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਧਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ TV।